नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलते हैं, जानते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के हार्ट पेंशन का भी फ्री होगा ऑपरेशन, साथ में मिलेंगे 10,000 रुपये। झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा। इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजकोट एवं अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल के साथ करार हुआ है। इस करार के तहत जहां फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा, वहीं आने जाने के लिए राशियों को 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसको लेकर में स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। 49 दिनों से हड़ताल पर है झारखंड के राजस्व कर्मचारी, नहीं बन रहे हैं इनकम सहित अन्य सर्टिफिकेट। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ गत 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर है। इसके कारण जिला में एक और जहां आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्टूडेंट के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभ कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर जमीन का म्यूटेशन से लेकर रजिस्ट्री का कार्य भी प्रभावित हुआ है। विभिन्न संस्थाओं में दाखिला से लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करने के प्रावधान, लेकिन इस प्रमाण पत्र के नहीं बनने से स्टूडेंट परेशान हैं। क्या है झारखंड सरकार द्वारा लागू सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ? झारखंड सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की है, जिसके तहत राज्य सरकार कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को 20,000 रुपये अनुदान स्वरूप देती है। यह राशि हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होती है। इसका लाभ लेना बेहद आसान है। इसका लाभ लेने के लिए आपको निकट के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा, फिर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। झारखंड गठन के बाद 61,21,000 में से 15 लाख घरों तक ही पहुंचा नल से जल, राष्ट्रीय औसत से 30% पीछे। झारखंड गठन के 22 वर्ष बाद भी लोगों को प्यास बुझाने में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। अब भी राज्य की 75% आबादी पानी के लिए चापाकल, कुआं, नदी, नालों व अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। राज्य सरकार 61,21,000 घरों में से 15,02,000 घरों तक ही पाइपलाइन से पानी पहुँचाया है। यह कुल घरों का लगभग 25% है। झारखंड में प्राकृतिक रूप से पेयजल की उपलब्धता सतही स्रोत के रूप में ज़्यादा नहीं है। पीएम कृषि सिंचाई योजना पर 5 राज्यों के साथ बैठक, दिसंबर तक अमृत सरोवर का पूरा करने का लक्ष्य। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के भूमि संसाधन विकास के सचिव अजय तिर्की के अध्यक्षता में पूर्वी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यों की समीक्षा प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई। इस बैठक में भूमि संसाधन विभाग तथा अन्य सभी 5 राज्यों के द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया। सारी रिपोर्ट देखने के बाद केंद्रीय सचिव ने कई दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को हर हाल पर समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। केंद्रीय सचिव ने इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का 20% खर्च वृक्षारोपण पर करने का कहा है। काटाटोरी फ्लाईओवर के निर्माण में बाधक बने अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू। काटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण के तहत बाधक अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हुआ है। इसके तहत शांतिनगर माइनर ब्रिज के पास गढ़ा टोली स्थित अनिमा विभाग कुजरू के भवन को गिराने का कार्य शुरू हो गई है। यूडको और नगर निगम इम्प्रूवमेंट्स टीम मौके पर गई। भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अनिमा विभाग कुजरू ने 7 नवम्बर तक स्वयं अतिक्रमित क्षेत्र को हटाने की लिखित आश्वासन दिया। उन्हें 7 नवम्बर तक का समय दिया गया है। बाजार दर से अधिक मूल्य पर खदान आपूर्ति के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी निलंबित। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खदान आपूर्ति किए जाने के मामले में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा सह जिला शिक्षा अधीक्षक नीरज कुजरू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में नीरजा कुजरू का मुख्यालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची निर्धारित किया गया। निर्जा कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालन के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा। एमपी के बैतूल में बस और कार की आमने सामने टक्कर में 11 लोगों को ही मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल के एमपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार तड़के जिले में एक बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। 11 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूर कार से अपने घर लौट रहे थे। ऑपरेशन यूनाइट के तहत मुंबई पुलिस ने लापता हुए 487 बच्चों का 45 दिनों में किया रेस्क्यू। मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन
रियूनाइट के तहत लापता हुए 487 बच्चों का रेस्क्यू किया व कुछ बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया। पुलिस के अनुसार इसमें से 230 लड़के और 257 लड़कियां शामिल है, जिन्हें 15 अगस्त से 30 सितंबर के बीच टेस्ट किया गया था। बकौल पुलिस इनमें से 276 बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज नहीं थी। पोस्टल बैलेट से वोट डालने के 2 घंटे बाद हिमाचल प्रदेश में 106 वर्षीय मतदाता को हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना में विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने के करीब 2 घंटे बाद गुरुवार को 106 वर्षीय बीरू राम नामक मतदाता की मौत हो गई। एक अधिकारी ने इन्हीं वार्ता को बताया कि मोबाइल बूथ में मतदान करने के बाद शाम को इसका निधन हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का हुआ ऐलान। वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक सख्त के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 10 नवंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली एक याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 10 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 15 नवंबर। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर तक की है। इससे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी और इस समय सीमा पर 57 लाख उपभोक्ताओं में से 34 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने आवेदन किया था। सरकार अब केवल आवेदन करने वालों को बिजली सब्सिडी देगी। भारत माता की जय बोलने पर एमपी में अध्यापकों ने छात्र को दी सजा, केस हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के गुना में एक मिशनरी स्कूल में बुधवार को प्रार्थना के बाद एक छात्र के भारत माता की जय बोलने पर अध्यापकों उसे फटकारने और सजा देने के बाद 2 अध्यापकों पर FIR दर्ज की गई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि इस घटना की जांच जारी है और पुलिस कार्रवाई करेगी।